साधना की नई नई शादी हुई थी। वो घूंघट तोड़कर अपने कमरे में बैठी हुई थी। पूरा कमरा सुहागरात की सेज की तरह सजा था और गुलाब के फूलों से महक रहा था। तभी अचानक साधना को लगा कि किसी ने दरवाजा खोला। दरवाजे की आवाज से साधना का दिल धड़क उठा। लगता है मेरे पति देव आ गए। इतने में वहां पर साधना का पति गौरव कमरे के अंदर आ गया। साधना, सुहागरात का दिन भी कितना खूबसूरत होता है। तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हारी साधना अभी शुरू कर दूं। अब मुझसे सबर नहीं होता, घूंघट उठा ही देता हूँ। गौरव साधना का घूंघट उठाने वाला था कि तभी अचानक साधना ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया। रुक जाइए, इतनी जल्दी भी क्या है, मैं बस 2 मिनट में आई। साधना तुरंत कमरे से बाहर चली गई और थोड़ी देर बाद 2 बैंगन लेकर आ गई, जिसे देखकर गौरव बहुत हैरान हुआ। साधना, तुम्हें सुहागरात मेरे साथ बनानी है या बैंगन के साथ? देखिए, हर पत्नी सुहागरात वाले दिन अपने पति को गर्मा गर्म दूध पिलाती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अपने पति को उसकी मनपसंद चीज खिलानी या पिलानी चाहिए। ठीक है, समझ गया। अभी नहीं समझे, मेरी पूरी बात सुनो। मुझे पता है कि आपको बैंगन हद से ज्यादा पसंद है। आपको बैंगन खिलाकर कोई भी काम कराया जा सकता है। मैंने सही कहा ना? साधना, तुमने बात तो बिल्कुल सही कही। बैंगन मुझे बहुत पसंद है। बैंगन के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। तो ठीक है, मैं अभी बैंगन का भरता बनाकर लाती हूँ। साधना उसी वक्त किचन में गई और बहुत ही स्वादिष्ट बैंगन का भरता बनाकर ले आई। गौरव ने सारा बैंगन का भरता खा लिया, जो कि उसे बहुत अच्छा लग रहा था। साधना, मुझे लगता है तुम मेरे बारे में पूरी रिसर्च करके आई हो। बैंगन का भरता तो तुमने बहुत स्वादिष्ट बनाया है। इतना स्वादिष्ट बैंगन का भरता मैंने आज तक नहीं खाया। उसके बाद उन दोनों ने सुहागरात मनाई, लेकिन अगली सुबह साधना के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी उसने उम्मीद तक नहीं की होगी। जब वो सुबह सोकर उठी तो बिस्तर पर गौरव नहीं था। साधना ने बाथरूम में पूरे घर में ढूंढ डाला, पर गौरव उसे कहीं नहीं मिला। तभी उसकी सास परेशान होकर साधना के पास गुस्से में चली आई। साधना, गौरव इतनी सुबह कहाँ चला गया? उसका फोन भी नहीं लग रहा। पता नहीं सासू माँ, मुझे तो बताकर ही नहीं गए। मैं जब सुबह सोकर उठी तो वो कमरे में नहीं थे। तभी अचानक साधना को उल्टियाँ होने लगी और उसे पता चला कि वो गर्भवती हो चुकी है। रात हो गई लेकिन गौरव का कोई अता पता नहीं चला। तब उसकी सास ने सारा इल्जाम साधना पर लगा दिया। शादी का एक दिन बीता नहीं और तू गर्भवती हो गई। जरूर कहीं ना कहीं शादी से पहले ही मुंह काला करवा चुकी है तू, और शादी के बाद मेरे बेटे को गायब कर दिया। निकल जा इस घर से, इस घर में तेरे रहने की कोई जरूरत नहीं, कलंकिनी औरत। सासुबा, ये आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही हैं। मैं खुद गौरव के लिए बहुत परेशान हूँ, पता नहीं कहाँ चले गए। अच्छा, मैं तुझ पर इल्जाम लगा रही हूँ? वो तेरे कमरे में ही था, तब से मिला ही नहीं। मेरी नजरों के सामने से हट जा, वरना बहुत गलत हो जाएगा मेरे हाथों। इस तरह उसकी सास ने उसे मारपीट कर घर से भगा दिया। अब साधना अपने मायके तो जा नहीं सकती थी, इसलिए वो घर के बाहर आंगन में ही झोपड़ी बनाकर रहने लगी। रात में तो गौरव कितने खुश थे। मैंने उनके लिए बैंगन का भरता बनाया था, जिसे खाकर वो बहुत खुश हुए थे। पर अचानक उन्हें क्या हो गया, कहाँ चले गए वो? मुझे कुछ भी करके उन्हें ढूंढना होगा। साधना उसी वक्त इधर उधर जाकर अपने पति को ढूंढने लगी, पर गौरव उसे कहीं पर भी नहीं मिला। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा और कुछ ही दिनों बाद जिस झोपड़ी में साधना रहती थी, उसी झोपड़ी के बाहर एक बैंगन का पेड़ अचानक निकल आया। उसमें ढेर सारे बैंगन भी लगे हुए थे। अब उन्हीं बैंगन को साधना आग में पकाकर खाती रही और अपनी जिंदगी जीने लगी। लेकिन आसपास की औरतें उसे ताने देने लगी। देख रही हो इस बेशरम औरत को, बिना पति के ही गर्भवती हो गई। पता नहीं किसका पाप लेकर घूम रही है। अच्छा हुआ इसकी सास ने इसे घर से निकाल दिया। अगर मैं इसकी सास की जगह होती तो इसे आंगन में भी ना रहने देती। अरे चलो चलो यहाँ से, सुबह सुबह इसका मुंह देख लेंगे तो हमारा दिन खराब चला जाएगा। पापियों का चेहरा नहीं देखना चाहिए। पड़ोस की औरतों के ताने सुनकर साधना को रोना आ जाता था, पर वो किसी से कुछ कह नहीं पाती थी। समाना चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मैं खुद को और अपने पति को अच्छे से जानती हूँ। बस एक बार वो किसी तरह मिल जाए, फिर सबका मुंह बंद हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता है ये बच्चा गौरव का ही है। मुझे प्रेग्नेंट हुए कई महीने बीत चुके हैं। इससे पहले कि ये बच्चा दुनिया में आए, मुझे अब गौरव को ढूंढना ही पड़ेगा। फिर इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। इस बार साधना ने ठान लिया कि वो अपने पति को ढूंढकर ही वापस आएगी। उसे ढूंढते ढूंढते वो काफी दूर निकल गई और किसी जंगल के अंदर पहुंच गई। ये मैं कहां आ गई? तभी अचानक साधना को किसी के कराहने की आवाज आई।
लगता है इस जंगल में कोई इंसान है, बेचारा दर्द से कराह रहा है, मुझे उसे बचाना होगा। साधना उस आवाज का पीछा करते करते उस आदमी के पास पहुंच गई जो दर्द से कराह रहा था। वो एक बूढ़ा इंसान था जिसके पैर में चोट लगी हुई थी। उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी देखकर लग रहा था जैसे वो कोई संत महात्मा हो। अरे बाबा, आपके पैर में तो बहुत बड़ा कांटा चुभा हुआ है और खून भी निकल रहा है, रुकिए मैं अभी आपकी मदद करती हूँ। साधना ने उस जंगल से कुछ हरे भरे पत्ते तोड़ लिए, फिर उसका कांटा निकाल दिया। उसके बाद उसने अपनी साड़ी का एक पल्लू फाड़ा और पेट में लपेट कर उसके पैरों में गांठ बांध दी, जिससे उसका खून निकलना बंद हो गया और दर्द भी काफी ठीक हो गया। बेटा, यहाँ आसपास कोई नहीं है, मुझे लगता है साक्षात प्रभु ने तुम्हें मेरी मदद के लिए भेजा है। लेकिन बाबा, आप इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? बेटा, मैं तो एक सन्यासी हूँ, चलते चलते थक गया था, तभी अचानक मेरा पैर किसी पत्थर से टकराया और जैसे ही मैं गिरा, ये बड़ा सा कांटा मेरे पैरों में घुस गया। लेकिन तुम एक औरत होकर इस खतरनाक जंगल में क्या कर रही हो? तुम्हें देखकर लगता है तुम गर्भवती हो। अब बाबा, मैं आपको क्या बताऊं? मेरे पति कहीं चले गए हैं, उन्हें ढूंढते ढूंढते ही यहाँ पहुँच गई थी। बिटिया, यहीं पास में ही मेरी कुटिया बनी हुई है, चाहो तो वहाँ आराम कर लो, वहीं सारी बातें बता देना। नहीं बाबा, आप आराम करो, रात काफी हो रही है, अगर घर जाने में लेट हो गया तो मेरी सासू माँ बहुत गुस्सा करेंगी। मैं किसी दिन में आपके पास आऊंगी, फिर आपको सारी बात बताऊंगी। इतना कहकर साधना वापस आ गई, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसकी सास ने उसे घर से निकाल दिया तो आंगन में बनी हुई झोपड़ी भी उखाड़ कर वो फेंक देगी। इतने महीने हो गए, मेरे पति मुझे कहीं नहीं मिले, मेरे पेट में बच्चा है, पता नहीं उसकी हालत क्या होगी, मुझे एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। रात में उस बैंगन के पेड़ के पास बैठकर साधना रोती रही। फिर उसने सोचा कि बच्चे को पोषण देने के लिए खाना पीना जरूरी है, इसलिए उसने दो बैंगन उस पेड़ से उखाड़े और आग जलाकर उन्हें गर्म कर लिया। फिर वो उसका भरता बनाकर खा गई। अगली सुबह उठकर वो किसी तरह हिम्मत करके घर के अंदर गई और अपनी सास से कुछ पैसे मांगने लगी। सासू माँ, मेरे पेट में बच्चा है, एक बार मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, अगर आपके पास कुछ पैसे हो तो मुझे दे दीजिए, मेरी गलती की सजा मेरे बच्चे को तो मत दीजिए। तेरी आंख का पानी बिल्कुल मर चुका है क्या? पता नहीं किसका पाप लेकर घूम रही है, मेरे बेटे को गायब कर दिया और मुझसे ही पैसे मांग रही है, चल निकल यहाँ से। उसकी सास ने साधना के पेट पर एक लात मारी जिससे साधना दूर जाकर गिरी। उसकी सास ने दरवाजा बंद कर लिया। अब साधना रोती हुई आसपास लोगों से मदद मांगने लगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। ऐसे ही धीरे धीरे पूरे 9 महीने बीत गए और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को स्वस्थ देखकर साधना बहुत खुश हुई। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरा बच्चा सही सलामत पैदा हो गया, अब मैं इसे तो पालूंगी लेकिन अपने पति को भी ढूंढूंगी। तभी अचानक इतने दिनों बाद साधना को उन्हीं बाबा की याद आई। मैं उन सत महात्मा के बारे में तो भूल ही गई, वो जरूर मेरी कुछ न कुछ इसमें मदद करेंगे। साधना अपने बच्चे को लेकर उसी जंगल में पहुंच गई और बाबा की कुटिया ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते उसे बाबा की कुटिया मिल गई। अरे वाह बिटिया, तुम्हारा बेटा तो बहुत सुंदर है। बाबा, मैं आपको बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अब मैं आपको सब कुछ बताती हूँ जो मेरे ऊपर बीती है। साधना ने अपनी सुहागरात से लेकर सारी बात उन बाबा को बता दी। बाबा, अब आप ही बताइए, मेरे पति मुझे वापस मिलेंगे या नहीं? बिटिया, मैं उस दिन ही तुम्हारा चेहरा देखकर सब कुछ समझ गया था, लेकिन तुम रुकी नहीं। दरअसल तुम्हारे पति से पिछले जन्म में अनजाने में कुछ अनर्थ हो गया था। तुम्हारे पति की वजह से अनजाने में दो शादीशुदा जोड़े हमेशा के लिए अलग हो गए, इसलिए उन्होंने तुम्हारे पति को श्राप दिया था कि वो अपनी पत्नी के साथ कभी भी नहीं रह पाएगा। वैसे तो कुदरत के नियम के खिलाफ जाना असंभव है, लेकिन अगर एक पत्नी चाह ले तो अपने प्यार और अपनी श्रद्धा के बल पर अपने पति को वापस ला सकती है। कुछ दिनों बाद करवा चौथ का दिन आ गया। उसने दिन भर कुछ नहीं खाया क्योंकि उसने भी करवा चौथ का निर्जल व्रत रखा था। वो अपनी झोपड़ी के बाहर उसी बैंगन के पेड़ के पास बैठकर रो रही थी। गौरव, आप मेरे साथ नहीं है तो क्या हुआ? आपको बैंगन बहुत पसंद है ना, तो यही बैंगन खाकर मैं अपना व्रत तोड़ूंगी। तभी गुस्से में उसकी सास साधना के पीछे उसे मारने के लिए भागने लगी। तभी साधना ने अपने बच्चे को गोद में उठाया और वहां से भागने लगी। अच्छा हुआ ये औरत अपनी नाजायज औलाद को लेकर खुद भाग गई,
ये औरत इसी पेड़ से बैंगन खाकर अभी तक जिंदा थी ना, मैं इस पेड़ को ही खत्म कर देती हूँ। साधना सब कुछ छुप कर देख रही थी। उसकी सास ने जैसे ही कुल्हाड़ी से उस पेड़ पर मारा, वैसे ही साधना वहां पर आई और उसे रोक लिया। तभी उस बैंगन के पेड़ ने अचानक गौरव का रूप ले लिया। तभी वहां पर बाबा आ गए और उन्होंने सारी बात उसकी सास को बता दी। इसका मतलब ये मेरा ही पोता है। मैं कितना बड़ा अनर्थ करने जा रही थी, मुझे माफ कर देना बहू। इसके बाद वो सब लोग उस घर में खुशी खुशी रहने लगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका करवा चौथ कैसा रहा? आप कमेंट में हमें जरूर बताएं और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। 2 साल पहले जब उदय भांजी अपने दोस्त से मिलने उसके गांव गए थे, तब उनके मित्र अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। लगता है अब मेरा समय आ गया है। ऐसा ना कहो मित्र, तुम ठीक हो जाओगे। मैं अभी तुम्हें लेकर शहर चलता हूँ, वहाँ किसी अच्छे अस्पताल में तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। नहीं दोस्त, मैंने अपनी पूरी जिंदगी जी ली है। दुख है तो केवल अपनी बच्ची कंचन का। ना जाने मेरे जाने के बाद उस अनाथ की कैसी दुर्दशा लिखी है। इसके सांवले रंग के कारण इसके कई रिश्ते टूट चुके हैं। आज की दुनिया इंसान की भीतरी गुण से ज्यादा उसका रूप रंग देखती है। कंचन जैसी तुम्हारी बेटी है, वैसे ही मेरी भी बेटी है। अगर तुम राजी हो तो मैं उसे अपने घर की बहू बनाऊंगा। उदय भान के मित्र ने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। फिर विवाह का दिन तय कर उदय भान अपने घर लौटे। घर में ये बात उदय भान जी ने अपनी पत्नी को बताई। अजी कैसी बातें करते हो, ऐसी बदशक्ल काली सूरत वाली लड़की को मैं अपने घर नौकर ना रखूं। तुम उसे मेरे बच्चे के गले बांधना चाहते हो? अरे विमला, इंसान की असली खूबसूरती उसके अंदर होती है। ये रंग रूप तो कुछ दिनों में ढल जाते हैं। अजी छोड़ो, मेरे बच्चे के लिए एक से एक सुंदर लड़कियों की लाइन लगी है, और ऊपर से दहेज भी इतना इतना मिलेगा कि हमारी नाक भी ऊंची रहे। मैं इन रईस जादियों के नखरों को अच्छी तरह से जानता हूँ। एक बात याद रखना विमला, अपने साथ दहेज लाने वाली बहुएं कभी अपनी बेटी नहीं बन पाती हैं। ऐसी लड़कियाँ घर जोड़ने से ज्यादा घर तोड़ने की फिराक में रहती हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं अपने मित्र से वादा कर चुका हूँ, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। उदय भान की जिद के आगे विमला देवी और बेटे सचिन को भी झुकना पड़ा। शादी वाले दिन मंडप के सामने दो औरतें आपस में बातें कर रही थी। अरे जरा दुल्हन का रंग रूप तो देख, बड़ी कह रही थी कि अपने बेटे के लिए चांद सी दुल्हन लेकर आऊंगी। अरे चांद तो लाई है, मगर अमावस का चांद। इसके बाद दोनों औरतें ठहाका मारकर हंस पड़ी। उनकी बातें विमला देवी सुन रही थी। उसे रह रहकर अपने पति और कंचन पर गुस्सा आ रहा था, मगर उसने किसी तरह खून का घूंट पीकर खुद पर काबू किया। शादी के अगले दिन कंचन चाय लेकर अपने पति के पास आई। एजी उठिए, चाय पी लीजिए। सचिन उठा और चाय का प्याला उठा लिया। कुल्ला तो कर लीजिए, क्या बिना मुंह धोए या कुल्ला किए ही चाय पियेंगे? अब तुम मुझे बताओगे क्या करना है और कैसे करना है। एक बात गांठ बांध लो कि पिताजी की जिद के वजह से मैंने तुमसे शादी की है, मेरे ज्यादा करीब आने की कोशिश भी मत करना। ये कहकर सचिन ने चाय वहीं रख दी और बाथरूम में घुस गया। अपने आंसू पोंछती हुई कंचन वहाँ से निकलकर किचन में गई। वहाँ पहले से ही विमला देवी उसका इंतजार कर रही थी। अरे ओ कलमुही, आज चाय मिलेगी भी या नहीं? अभी बनाती हूँ माँ जी। बस बस रहने दे ये दिखावा। इस तरह झिड़कियों से कंचन के ससुराल के जीवन की शुरुआत हुई। उसे रोज ही अपनी सास और अपने पति की जली कटी बातें सुननी पड़ती थी। सारे घर में उसका दुख समझने वाला कोई था तो बस उसके ससुर उदय भान जी। आज भी जब विमला उसे ताना दे रही थी, तब उदय भान जी ने ही बीच बचाव किया। खैर, कंचन चाय लेकर आई तो विमला देवी फिर शुरू हो गई। अरे क्या चाय के लिए घंटे घंटे भर इंतजार करवाएगी? निकम्मी, बिल्कुल किसी काम की नहीं है तू। वो माँ जी, करवा चौथ आने वाला है ना, तो उसकी तैयारी में थोड़ी देर हो गई। हाँ, एक तेरी वजह से ही तो मेरे बेटे की जिंदगी टिकी हुई है। तू ना होती तो न जाने बेचारे का क्या होता। तभी सचिन ऑफिस से थका हारा घर आता है और ड्राइंग रूम में अपनी माँ के पास आकर बैठ जाता है।
तभी कंचन बोल पड़ती है, सुनिए जी, आपसे एक बात कहनी थी। तो कहो ना। कल ऑफिस से जरा जल्दी आ जाइएगा। क्यों, कल ऐसी क्या आफत आन पड़ी है जो मैं अपना काम धंधा छोड़कर तुम्हारे पास आकर बैठ जाऊं? वो कल करवा चौथ है ना, और मेरा व्रत है, अगर आप जल्दी आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। कह तो ऐसे रही है कि जैसे इसके ही व्रत और तपस्या से मेरे बेटे का जीवन चल रहा है। अरे देख नहीं रही कि अभी ऑफिस से आया है? जरा इसके लिए चाय वाय तो लेके आ। चल जा, पहले मेरे बेटे के लिए चाय और कुछ खाने के लिए लेकर आ। कंचन वहाँ से चली गई। उसके बाद विमला देवी ने अपने बेटे से कहा, वैसे बेटा मुझे भी कल के व्रत के लिए कुछ चीजें खरीदनी है, जरा मुझे शॉपिंग करा दे। बिल्कुल माँ, बस मैं जरा कपड़े बदल कर आता हूँ। इसके बाद सचिन कपड़े बदल कर आया और दोनों माँ बेटे वहाँ से निकल गए। बेचारी कंचन जब चाय लेकर आई तो वहाँ कोई नहीं था। सचिन कार चला रहा था और दोनों माँ बेटे में कंचन को लेकर ही बातें हो रही थी। ना जाने किस चुड़ैल को लाकर मेरे बच्चे के गले बांध दिया है। पिताजी ने खुद महान बनने के चक्कर में मुझे बलि का बकरा बना दिया है माँ। अब तो सारी जिंदगी इस बदशकल औरत के साथ ही काटनी पड़ेगी। कहते कहते सचिन का ध्यान सड़क से हट गया और वो अपनी माँ की तरफ देखने लगा। तभी अचानक से विमला देवी चिल्लाई, बेटा सामने देख। सचिन ने देखा तो सामने से एक तेज कार आ रही थी। हड़बड़ाहट में उसने अपनी कार का स्टीयरिंग मोड़ दिया। नतीजा ये हुआ कि तेज कार तो निकल गई, मगर सचिन की कार सड़क के डिवाइडर से जा टकराई। विमला देवी तो कार के डैशबोर्ड से टकराकर वहीं बेहोश हो गई, मगर सचिन कार का शीशा तोड़ता हुआ सीधा बाहर सड़क पर जा गिरा। इन्हें किसी भी तरह से बचा लीजिए डॉक्टर साहब। देखिए, मामला अब हमारे हाथ से निकल चुका है। इनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। ये बस अब 2-4 घंटे के मेहमान रह गए हैं। नहीं, ये 2-4 घंटे के मेहमान नहीं है। अगर मेरी श्रद्धा और भक्ति में जरा सी भी ताकत है तो देवी माँ को मेरा सुहाग मुझे वापस करना ही होगा। और जब तक ऐसा नहीं होगा, मेरे गले से ना अन्न का एक भी दाना निकलेगा और ना ही पानी की एक बूंद। वो तेजी से रोते हुए देवी माँ के मंदिर गई और रोते गिड़गिड़ाते हुए बोली, माँ बचपन से ही तुमने मुझे बहुत दुख दिए हैं, लेकिन मैंने उफ तक नहीं किया। मैं अभी सब जिल्लत सहने के लिए तैयार हूँ। बस मेरे पति को पहले जैसा कर दो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। आखिर कब तक मेरी परीक्षा लोगी? मेरे सब्र का बांध अब टूट चुका है, तुम्हें आज मेरी सुननी ही पड़ेगी। ये कहते ही वो मंदिर के घंटों को जोर जोर से बजाने लगी। वो पूरी रात मंदिर में देवी माँ के सामने घंटे बजाती रही। उसने ना कुछ खाया और ना कुछ पिया। अगली सुबह अस्पताल में सचिन ने आंखें खोली। उसके सामने उसकी माँ, पिताजी और कंचन खड़े थे। सबकी आंखों में आंसू थे। विमला देवी के सर पर पट्टी बंधी हुई थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने मेरे बच्चे को लौटा दिया। देख बेटी, तेरी भक्ति जीत गई, देवी माँ ने तेरे सुहाग को लौटा दिया। किस्मत में बचना लिखा था, इसलिए बच गया पिताजी। इसमें किसी की भक्ति का क्या लेना देना। उदय भान कुछ कहते, इससे पहले ही विमला देवी उनसे बोल पड़ी, आप चुप रहिए, इसे ऐसे समझ नहीं आएगा, इसे मैं सारी बात बताती हूँ। सचिन को कुछ समझ नहीं आया कि आज अचानक माँ कंचन का पक्ष कैसे लेने लगी। कहीं ये सर पर लगी चोट का नतीजा तो नहीं? जिस देवी जैसी बहू को तू और मैं कोसते थे ना, आज वही तेरी और तेरी मौत के बीच दीवार बनकर खड़ी है। तुझे यकीन तो नहीं होगा, मगर सुन, आज तू अस्पताल में 24 घंटे से कोमा में था। जब तुझे यहाँ लाया गया तब तेरे सर से बहुत सारा खून बह चुका था। मेरी चोट ज्यादा गहरी नहीं थी, इसलिए मुझे कुछ देर बाद होश आ गया था। मैंने देखा कंचन को, जो डॉक्टरों के सामने तुझे बचाने के लिए भीख मांग रही थी। ये सुनकर सचिन की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे, जिसे वो अपने गले का फंदा समझता था। आज उसी फंदे ने उसे मौत के मुंह से वापस खींच लिया था। मुझे माफ कर दो कंचन, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। अरे आप
ये कैसी बातें करते हैं? देवी माँ ने मेरा सुहाग लौटा दिया, मेरे लिए यही बहुत है। मेरे लिए तो करवा चौथ का चांद सही मायने में आज निकला है। और फिर उस दिन अस्पताल में ही कंचन ने चांद और सचिन को देख अपने करवा चौथ के व्रत को तोड़ा। ये करवा चौथ वाकई उसके जीवन में खुशियाँ भर गया था। दोस्तों, आप सभी इस वीडियो पर अपनी माँ की लंबी आयु के लिए कमेंट में आई लव माँ जरूर लिखें। दुर्गा माँ जरूर आपकी इच्छा पूरी करेंगी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।